सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की सीरीज़। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की सीरीज चल रही है, ठीक है। लाइन बाय लाइन की सीरीज़ में हम पहुँच चुके हैं क्लास सिक्स के हिस्ट्री पे, ठीक है। क्लास सिक्स का हिस्ट्री पे पहुँच चुके हैं। जियोग्राफी हमारी चल रही है, साथ ही साथ अभी हिस्ट्री का चैप्टर थ्री पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर टू पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर थ्री हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आई नो मेरे को सीक्वेंस वाइज चलना चाहिए, बट कोई बात नहीं, आप जब देखोगे तो इसको सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ठीक है, जहाँ तक कि चैप्टर जाएंगे। तो इस चैप्टर में हम किस चीज़ से डील करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि एनशियन टाइम में जो लोग हैं वो जब शिकार करते थे, जब झिंगा लाला करते थे, तब वो लोग शिकार करते थे, ठीक है। जानवरों को शिकार करते थे, ठीक है। फल फ्रूट्स जितने फल है, जितने भी खाने वाले पौधे, इन सब वो कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। फिर धीरे 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 जब टाइम बीतता गया तो लोगों ने फसल उगाना चालू किया, ठीक है। सबसे फसल उगाना चालू किया, हम देखेंगे सबसे अर्लीस्ट जो सिटी है, सबसे अर्लीस्ट विलेज है मेहरगढ़, और सबसे पहला जो क्रॉप है ये तो मेहरगढ़ है, सबसे अर्लीस्ट विलेज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि 8000 साल पहले कैसे फसल को उगाना चालू किया इन लोगों ने, ठीक है। तो एक लड़का है यहाँ पे, आपको एक ये दिख रहा होगा, एक नोट दिख रहा होगा, नोट लिख रखा है कि एक लड़का है तुषार नाम का, वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है अपने कजन की शादी में, ठीक है। जब वो अपने कजन की शादी में जा रहा होता है तो क्या देखता है वो ट्रेन से जब जा रहा होता है तो वो देखता है ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट। वो मुश्किल से विंडो के सीट तक पहुंचता है और वो ग्लास से, शीशा होता है उसके, ग्लास के थ्रू देखता है जो पेड़ है, ठीक है, वो चलते हुए दिखते हैं इसको। तो उसके अंकल आते हैं, उसका अंकल बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है जो ट्रेन्स है वो अभी से 150 ईयर पहले चलना चालू हुई थी, फिर टाइम बीतता गया, दशकों बाद, 10 साल 20 साल 30 सालों बाद क्या चलना चालू हुई? बसेस, ठीक है। तो सार वंडर्ड व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ व्हेरेवर दे बॉर्न। तो तुषार के मन में एक क्वेश्चन जनरेट होता है, क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन कहता है कि जब ट्रेवलिंग का जब पीरियड नहीं था, जब इतने मतलब मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, ट्रेन्स नहीं थी, तो क्या जो लोग जहाँ पैदा हुआ करते थे वहीं पर रहते थे अपने जीवन भर? जैसे आप हो, आप पढ़ने के लिए दिल्ली आए होंगे या फिर आप गाँव से उठ कोई दूसरे स्टेट आए होंगे, ठीक है। तो क्या जो लोग पैदा हुए थे वो वहीं रहते होंगे जब ट्रैवलिंग नहीं होता होगा, है ना? आप दिल्ली आए हो, आप कहीं भी पढ़ने आए हो, तो आप किसके सहारे आए हो? आप किसी ट्रेन से, कोई बस से, ठीक है, कोई ज़्यादा अमीर होगा वो एरोप्लेन से आया होगा। अब द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव। जो अर्लीस्ट पीपल थे पहले के आदिवासी लोग, वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एन अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो, टूडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। देखो अभी से 2 मिलियन साल पहले जो लोग रहते थे, ठीक है, जिनको हम आदिवासी बोलते हैं, उनको आप लोग हंटर गैदरर के नाम से जानते हो? हंटर गैदरर्स के नाम से आप जानते हो? अब इनका नाम हंटर और गैदरर्स क्यों पड़ा? हंटर मतलब क्या होता है? हंटर मतलब होते हैं शिकारी, गैदरर मतलब होते हैं वो व्यक्ति जो चीजों को कलेक्ट करके अपने लिए अपनी लाइवलीहुड को चलाते हैं, खाने की चीजों को कलेक्ट करके अपनी लाइवलीहुड को चलाते हैं, ठीक है। तो इनको ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जिस तरीके से लोग रहते थे, शिकार करके खाते थे, चीज़ों को कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, रूट्स को कलेक्ट करते थे एंड सो ऑन,
इसी वजह से इनका नाम क्या हो गया, हंटर और गैदरर्स। ठीक है, जनरली क्या करते थे, जो जंगली जानवर होते हैं उनको मार के खचक करके खा लेते थे, मछलियां पकड़ते थे। देखो मछलियां, बर्ड्स, बर्ड्स को शिकार करते थे बढ़िया सा, और फिर रात में क्या, पक्षी फ्राई खाते थे ये लोग, पक्षी फ्राई, है ना। तो ये लोग हंट करते थे, जानवर को शिकार करते थे, फलों को फ्रूट्स को कलेक्ट किया करते थे। हंटर्स गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन ऑल अप द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयर फोर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। अब ये लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो बुक पहला रीजन देती है कि जब ये एक जगह पे रहते रहा करते थे, मतलब अगर कोई उस टाइम की जंगली लोग अगर एक जगह पे रहते थे, तो वहाँ के सारे पौधे, सारे जानवर, इन सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम करके खा लेते, मतलब कंज्यूम मतलब कि अपने लिए यूटिलाइज कर लेते थे, कंज्यूम कर लेते थे, फिर उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। अब एक जगह पर कोई रहेगा तो यहाँ के सारे पौधे वगैरह खा लेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं शिकारी हूँ, मैं झिंगा लाला करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इनको जो जानवर है उनको काट पीट के मढ़िया सा फ्राई करके खा जाऊँगा, फ्राई तो नहीं होता होगा, कच्चा खा जाऊंगा। मैं कहा वाह क्या मस्त हिरन है ना। अगर पौधे हैं तो मैं पौधों को, एक जगह के सारे पौधे खा जाऊंगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा, क्यों पौधे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो पौधे हैं अगर हमको उनको लगाए ना, अगर उनको हम ग्रो ना करें, तो उनको लंबा टाइम लगता है एक जगह से उस पेड़ को फिर से रीग्रो होने में, है ना। तो इसीलिए जब वो एक जगह पे रहते थे, वहां के सारे प्लांट्स, सारे एनिमल रिसोर्सेस को खा के बढ़िया से पेट भर लेते थे। अब एक जगह से खत्म हो गए तो दूसरी जगह जाएंगे। सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दिस इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। अब दूसरा क्यों होता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसे कि शेर है, ठीक है, अगर ये लोगों को आज बोलते हैं, अगर ये लोग बोलते हैं कि चलो आज हमें शेर खाने का मन कर रहा है, आज मेरा मन क्या कर रहा है, शेर खाते हैं, है ना, तो ये लोग शेर का शिकार करने के लिए इसके पीछे जाएंगे। ठीक है, और जो जानवर है, जैसे शेर है, अब शेर किसके पीछे जाएगा, शेर जाएगा हिरण के पीछे, है ना। देखो ये चेन है, एक शेर है, शेर जाएगा हिरण के पीछे, हिरण जाएगा घास के पीछे, और हम जाएंगे शेर के पीछे, है ना। तो इसीलिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एनिमल्स थे वो अपने शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक है, और जो छोटे छोटे जो जानवर थे वो घास के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हम भी तो इसके पीछे पीछे जाएंगे, क्योंकि अपना खाना तो यही लोग हैं, है ना। तो दो हमने पढ़ लिए, पहला क्या था कि सारे प्लांट्स, सारे प्लांट्स और रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, एंड एनिमल रिसोर्सेज कंज्यूम कर लिए हमने। सेकंड क्या है, इन सर्च ऑफ प्रे, शिकार की तलाश में हम उनके पीछे जाएंगे, शिकार जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं उसके शिकार, उन उसके शिकार करने के लिए उनके पीछे जाएंगे हम, है ना। तीसरा क्या आता है, थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स, सो दे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स। अब हमें पता है कि आम का सीजन है वो गर्मियों का है, ठीक है, तो अपने को अगर आम खाना है तो गर्मियों के मौसम में ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां ज्यादा गर्मी हो, है ना। तो उस टाइम पे ऐसा भी तो नहीं होता कि ऐसा भी तो नहीं होता था कि अगर आम नहीं है तो उसका अल्टरनेट कुछ और खा लेते थे। ठीक है, तो प्लांट और जो कुछ ट्रीज होते थे ना, वो एक स्पेशल सीजन में उगते हैं, तुम देखो। ठीक है, जैसे आम है, आम कहाँ उगता है, सिर्फ आम सिर्फ गर्मियों में उगता है, एक सीजन में उगता है ना। उसी तरह उस टाइम में भी जो भी फ्रूट्स, जो भी ट्रीज को कंज्यूम करते थे, वो एक स्पेसिफिक सीजन में उगते होंगे, और जब एक स्पेसिफिक सीजन में उगते हैं, ठीक है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अगर हम गर्मी में हैं तो गर्मी में हमने आम खा लिया, अब गर्मियों के बाद उसके लिए हमें दूसरी जगह उठ के जाना पड़ेगा, है ना। तो दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, कि कुछ प्लांट और कुछ पौधे
जो फ्रूट्स देते हैं वो अलग अलग सीजन में देते हैं, ठीक है, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, ठीक है, ताकि वो अलग अलग प्रकार के पौधों को कंज्यूम करके एनर्जी को पा सके, ठीक है। ये मक्खी बहुत प्यारी मक्खी। फोर्थ, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, वाटर इज फाउंड इन लेक्स स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, वेल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल, पेरिनियल पेरिनियल क्या होती है, जो पूरे 12 के 12 महीने तक होती है, ठीक है। अदर्स आर सीजनल, पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। अब अगर मैं एक जगह पे रह रहा हूँ और मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ उसके बगल में नदी है, और वो नदी जो है गर्मियों में सूख जाती है, जब वो नदी गर्मियों में सूख जाती है तो मैं गर्मियों में खाने के लिए दूसरी जगह जाऊँगा, क्योंकि अपने पास तो पानी नहीं है। चलो मैंने खा लिया, ठीक है, मैंने हिरण, पहले तो शिकार होंगे नहीं, ठीक है, जितने भी शिकार होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे, उन सभी को पानी की ज़रूरत है, और अगर पानी ही नहीं होगा तो वो लोग इवेंचुअली वहाँ पे होंगे नहीं। अगर वो यहाँ, अगर वो जानवर वहाँ पे होंगे नहीं क्योंकि पानी नहीं है, तो हम भी क्यों होंगे। देखो ऐसे समझो, ये पानी है, पानी एनिमल्स भी डिपेंड होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस भी डिपेंड होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हंटर गैदरर्स। तो अगर एनिमल्स को पानी नहीं मिलेगा तो एनिमल्स भागेंगे, हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम भी भागेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ नदियाँ जो होती है वो ड्राई हो जाती है गर्मियों के मौसम में, ठीक है, इसीलिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है पानी की तलाश में। तो हमने चार पढ़ लिए, पहला क्या था, पहला था कि एक जगह पे रहेंगे तो सारे प्लांट्स और एनिमल्स को खा लेंगे, दूसरा क्या था, दूसरा था कि भाई साहब, दूसरा था कि एनिमल्स जो होंगे, एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और हमें अगर एनिमल्स को खाना है तो हमें उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, है ना। तीसरा था कि जो ट्रीज है, कुछ प्लांट्स है, उनके जो फ्रूट्स है वो एक स्पेसिफिक सीजन में उगते हैं, ठीक है, तो अगर मैं गर्मियों में रहता हूँ, ठीक है, तो जिस एरिया में रहूँगा वहाँ पे सिर्फ मेरे को गर्मियों के फ्रूट्स मिलेंगे, गर्मियों के खाने की चीज़ें मिलेगी, गर्मियों के वेजिटेबल्स मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर जब गर्मियों चली जाएंगी, जब ठंड आ जाएगी, तब मैं क्या करूँगा, तब मेरे को वहाँ से उठ के कहीं और जाना पड़ेगा। चौथा क्या आ गया, चौथा है कि जब नदियाँ होती हैं, नदी है, नदी सूख जाएगी, तो मैं ऐसी जगह जाऊँगा अब जहाँ पर पानी हो, क्योंकि अब मेरे आसपास पानी नहीं है तो मैं रह के क्या करूँगा, है ना। इसीलिए तुमने भी देखा होगा बहुत सारे जो शहर हैं जहाँ पे तुम भी रहते होंगे वो किसी नदी के किनारे ही बसा होगा, ठीक है, तुम्हारा घर रेगिस्तान में नहीं होगा, ठीक है, शायद किसी का हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू जो रहते हैं उनका जो घर होगा वो नदी के किनारे होगा, है ना। अगर आप राजस्थान में भी रहते हो, रेगिस्तान के इलाके में रहते हो, तो वहाँ पे पानी की सुविधा होगी, देखना, या तो कुआं होगा, ठीक है, या फिर गाड़ी आती होगी म्यूनसिपल की। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इन लोगों के बारे में कैसे पता है, मतलब कैसे पता है कि ये लोग रहते थे, ऐसे खाना खाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे खाने की तलाश में। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड द मेड एंड यूज द स्टोन यूज टूल्स ऑफ स्टोन वुड एंड बोन ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंस मिले हैं, कुछ प्रूफ मिले हैं, ठीक है, कुछ टूल्स मिले हैं, कुछ उपकरण मिले हैं, उपकरण मिले हैं, जैसे कि जो उपकरण है वो किससे बने हुए हैं, कोई पत्थर से बना हुआ है, कुछ उपकरण जो है वो लकड़ी से बना हुआ है, कुछ उपकरण जो है वो हड्डियों से बना हुआ है, ठीक है। अब हड्डियाँ, पत्थर, लकड़ी, हमें तीन प्रकार के उपकरण मिले हैं, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा अभी तक बचे हुए हैं, है ना, मतलब बचे हुए का मतलब क्या होता है कि अगर लकड़ी को अगर मैं पानी में रख दूँ तो वो सड़ गल जाती है ना, हाँ है ना, ठीक है। अगर हड्डी है, हड्डी कोई मैं अगर मैं बाहर खुले में रख दूँ तो उसको कोई जानवर पक्का ना पक्का खा लेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सर्वाइव, जो सबसे बचा हुआ होगा वो क्या होगा, स्टोन के टूल्स, पत्थर के जो टूल्स होंगे वो हमारे पास अभी तक बचे होंगे, बाकी तो क्या जानवर द्वारा खा गया होगा, कुछ डिकम्पोज हो गया होगा। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन स्क्रैप बार्क एंड हाइड्स
चॉप फ्रूट एंड रूट्स सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग एंड अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायर वुड वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। अब कुछ जो स्टोन टूल्स हमें मिले हैं उनका यूज होता होगा चीज़ों को काटने के लिए, जैसे पेड़ काटने के लिए, किसी जानवर का मीट है, फ्लैश है, उसको काटने के लिए, ठीक है, पौधों को चॉप करने के लिए, खच 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 खच, है ना, रूट्स जड़ों को काटने के लिए इस्तेमाल हुआ होगा इन टूल्स का। जो हमें स्टोन टूल्स मिले हैं बेटे, पत्थर के औजार मिले हैं जो, ठीक है, कुछ पत्थर के औजार जो मिले हैं उसमें इन्होंने लकड़ियों के हैंडल लगा रखे हैं, ठीक है, मतलब कि अगर ये पत्थर है तो इसमें इन्होंने क्या लगा दिया, एक हैंडल लगा दिया, ये देखो बढ़िया सा हथियार बन गए, है ना। तो क्या क्या है अदर टूल्स और इन जो टूल्स होंगे, ये जो टूल्स हैं, ठीक है, अब ये तो मैंने एग्जांपल दे दिए कि ये ऐसे बनाते होंगे स्टोन टूल्स, ठीक है। कोई कोई क्या करता होगा, लकड़ी ले लेता होगा, उस पर भाले जैसा बनाया जाता होगा, तो स्पीयर बन गया, भाला बनाते होंगे, ठीक है, और तीर बनाते होंगे, तीर 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 बनाते हैं। तीर कैसे बनाते हैं कि लकड़ी है, लकड़ी के मुंह पर उन्होंने क्या बांध दिया, पत्थर, स्टोन टूल, जो कि आगे से बहुत ज़्यादा शार्प होता है और अब किसी के लगेगा तो है दिल चीर के निकल जाएगा। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायर वुड, और कुछ जो टूल्स थे उसका इस्तेमाल क्या करते थे, लकड़ी को काटने के लिए, जिससे कि ये लोग रात में आग जला सके, ठीक है। और लकड़ियों का इस्तेमाल इन्होंने घरों बनाने के लिए भी किया है, घर बनाने के लिए किया है, औजार बनाने के लिए किया है, मैंने ही बताया कि भाले में लकड़ी का प्रयोग होता था, फिर ऊपर से पत्थर बांधते थे, है ना जी। यहाँ लिखा है स्टोन टूल्स मे ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल फूड्स। इन्होंने बोला कि शायद बोला है, जो लेफ्ट वाला है देखो, गड्ढा खोदने के लिए प्रयोग करते होंगे, या तो जो पत्थर है उसका यूज़ क्या गड्ढा खोदने के लिए करते होंगे, या फिर कपड़े सीने के लिए करते होंगे, स्टिचिंग क्लोथ्स, और जो क्लोथ्स है वो किससे बने हैं, एनिमल के स्किन से, ठीक है। ये इन्होंने अज्यूम किया कि शायद ये लोग ऐसा करते हों कि उस जो स्टोन का टूल है उससे मिट्टी खोदते हों, या फिर एनिमल्स है, एनिमल्स के स्किन से जो कपड़े बनते हैं उसको सीलते हों ये लोग, है ना। आगे दे रखा है एक मैप। अब एक मैप में अगर आप तो आओ, अगर इस मैप में तुम आओ, इस मैप में देखोगे बहुत सारे पैलोलिथिक साइट होंगे, बहुत सारे मीजोलिथिक साइट होंगे, बहुत सारे न्यूलिथिक साइट होंगे। तो देखो पैलोलिथिक मतलब होता है, पैलोलिथिक होता है मतलब स्टोन एज, ठीक है, न्यूलिथिक होता है न्यू स्टोन एज, मेगालिथिक होता है लार्ज स्टोन एज, ठीक है, अर्ली विलेज सबसे पुराने गांव, और मॉडर्न सिटीज, क्या मॉडर्न सिटीज, है ना। आओ जरा आगे पढ़ते हैं। तो मैप के बारे में क्या लिख रखा है, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर द साइट्स विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। अब हंटर गैदरर्स कब होंगे, जब स्टोन एज का टाइम होगा, हंटर गैदरर्स स्टोन एज के टाइम पीरियड में ही तो होंगे, जब पत्थरों का युग चलता होगा, जब ही तो लोग पत्थरों को सामान बनाते होंगे, है ना। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं वो पैलोलिथिक साइट पे मिलेंगे, है ना। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन इन द मैप, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर। देखो बहुत सारी जो साइट्स है, बहुत सारी जगह है वो वाटर के सोर्स में मिले हैं। अब वो वाटर के सोर्स या तो रिवर हो सकता है या लेक हो सकता है ना। कोई भी जीव वहीं रहेगा ना जहाँ पानी होगा। आप ही देखो, दो दिन बिना पानी पिए रह के दिखाओ तो मैं मानू तुम्हें। तो हमें तीन जगह, वैसे तो बहुत सारी है साइट्स, लेकिन हमें दो तीन जगह यहाँ पे मार्क करना कर रखा है। एक तो भीमबेटका, हंसगी, कर्नूल केव्स, ठीक है, तीन जगह मार्क कर रखी है हमें, ये हमें याद रखना है। ये तीन जगह के बारे में आगे भी डिस्कशन होगा। और ये मैप वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैप है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा आगे के जितने भी चैप्टर तुम पढ़ोगे उनमें इस मैप्स का यूज़ होगा, इस मैप का यूज़ होगा, ठीक है। तो इस मैप को मैं तो बोल रहा हूँ, तुम अपने मन में एक बार बिठा लो ढंग से, मेरा तो ये मानना है, ठीक है, ठीक है, ताकि हम आगे इसको अच्छे से पढ़ पाएँ, है ना। आगे पढ़ते हैं, चलो। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेज वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजिली फाउंड। देखो स्टोन टूल्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो थे। अब वो स्टोन टूल को बनाने के लिए क्या
अच्छी क्वालिटी के पत्थर होंगे, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी के पत्थर खोजने के लिए मैं ये थोड़ी कि पहाड़ों में चले जाऊंगा, मैं ऐसी जगह पे जाऊंगा जहां पे आसानी से मिल जाएंगे और अच्छी क्वालिटी के वो, है ना। अब यहाँ पे नीचे हमें एक पेंटिंग दे रखी है, ये पेंटिंग कहाँ की है? मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल, सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम मध्यपुर मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। देखो तो ये जो पेंटिंग्स है बहुत सारी वो कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश, भीमबेटका। और साउदर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। लिखा है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, मैंने बताया। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर, ये एक पुरानी साइट है जिसमें जिसमें गुफा है, और लोग क्यों रहते होंगे गुफाओं में बताओ? लोग गुफा में इसलिए रहेंगे, उस टाइम पे पहली बात घर नहीं था, अब तुम्हारी तरह हमारी तरह 4 स्टोरी 5 स्टोरी या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में थोड़ी रहते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, गुफा में घुस जाते थे, अगर बारिश आई तो गुफा में घुस जाओ, ठीक है, ठंड लग रही है गुफे में घुस जाओ, ठीक है। पीपल चूज द नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर रेन से, हीट से और विंड से। अब बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज गर्मी लग रही है, तो ये लोग कहाँ जाते थे? गुफा के अंदर, ठीक है। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, और जो ये जो जो भी ये रॉक पत्थरों से शेल्टर लेते थे वो नर्मदा वैली के किनारे मिली है बहुत सारे अमाउंट में, ठीक है, नर्मदा वैली के किनारे मिले हैं, ठीक है। ये जो रॉक शेल्टर है वो कहाँ मिले हैं? नर्मदा वैली के किनारे। ये देखो यहाँ पे दे रखा है रॉक शेल्टर, है ना। चलो देख रहे हैं ना, ये फोटो बहुत प्यारी है, देख लो एक बार, ये लोग यहाँ रहते थे। अब साइट्स क्या होती हैं? साइट्स वो जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते थे, उनके कुछ टूल्स, कुछ पोर्ट्स, कुछ बिल्डिंग, कुछ भी रिमेन बच गया हो, ठीक है, उस जगह क्या बोलेंगे हम? साइट, ठीक है। लोगों द्वारा, अगर मैं एक मैं अगर हूँ, अगर मैं एक जगह पे रहता हूँ, ठीक है, और मैं उस जगह को छोड़ के चला गया और वहाँ पे मेरी कुछ रिमेन्स है, जैसे कि मेरी बिल्डिंग है, मेरी पोर्ट्स है या फिर मेरे टूल्स है, ठीक है, और मैं चला गया, मैंने उस चीज़ों को वहीं छोड़ दिया, ठीक है, और वो चीज़ें वहीं रह गई, या तो वो जमीन में धस गई या तो वो जमीन के ऊपर रह गई, ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? साइट। क्या हो जाएगी? साइट। तो लिखा है साइट आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स टूल्स पोर्ट्स एनिमल्स वर फाउंड। दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल, दे मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बरिड ऑन द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर द वॉटर। दिखा है कि वे जगह है, ठीक है, जहाँ पे लोगों के रिमेन्स, ठीक है, जहाँ पे बची हुई चीजें जैसे कि टूल पोर्ट्स बिल्डिंग्स मिलती हैं, ठीक है, जहाँ पर लोग पहले रहते थे और उसको छोड़कर चले गए, ठीक है। अगर वो चाहे वो जमीन के सरफेस पे मिले, चाहे अंडर द सरफेस मिले, चाहे वो अंडर वाटर मिले, ठीक है, इन सबको क्या बोलेंगे? साइट्स, समझ गए। तो वो जगह है जहाँ पे लोग रहते थे, रहने के बाद उस जगह को छोड़ के चले गए, उनके कुछ अवशेष उस जगह पे रह गए, तो उस जगह को मैं बोलूंगा साइट। अब फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग के बारे में पता कर लेते हैं। तो कर्नूल केव्स, ठीक है, वहां पे क्या मिले हमें? ऐश। ऐश मतलब होता है राख, ठीक है, राख मिली है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। अब कर्नूल केव है, कर्नूल केव कहाँ है जरा मैप में आओ, अगर मैं तो मैप में लेके आऊँ इधर, तो यहाँ देखो कर्नूल केव्स है, ठीक है, साउदर्न इंडिया में हमारे पास क्या है? कर्नूल केव्स, साउदर्न पार्ट में क्या है? कर्नूल केव्स। अब तो भी यहाँ पे देखोगे कि हमें क्या मिले हैं? राख, राख के एविडेंस मिले हैं। अब ये राख का एविडेंस क्या कहता है? कि लोग यहाँ पे आग जलाया करते थे, और आग क्यों जलाते होंगे? तो शायद वो लोग लाइट के लिए जलाते हों, जैसे रात हो जाती है तो रात में लाइट के लिए शायद वो आग जलाते हों, मीट को पकाते हों, जैसे कि आज हमने हिरन लेके आए, तो यार बहुत दिन हो गए हम हिरन कच्चा खा रहे हैं, अब हमें मन कर रहा है कि हम पका हुआ हिरन खाएं, तो ये लोग क्या करते थे? हिरन को रोस्ट कर देते थे, या फिर जानवर को डराने के लिए। उस टाइम पे लोग पास बंदूक या पटाखे वगैरह थोड़ी थे, तो लोग जानवरों को कैसे डराते थे? आग के सहारे से, ठीक है। देखो ये पूरा मैं समझा देता हूँ तुम्हें, बिना ये मतलब रीड करेंगे एक बार, वैसे एक बार समझा देता हूँ।
ये समझाना चाहूंगा मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, मतलब अपना बढ़िया सा बोर्ड है जो हमने, आओ जरा देखो तो अभी से अगर तुम 2 मिलियन ईयर्स एगो चले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक देखो, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक मतलब होता है स्टोन, तो पैलियोलिथिक का मतलब क्या हो गया, ओल्ड स्टोन एज हो गया सर, वेरी गुड। तो ये चलता है कितना, 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर कितना 12,000 साल तक, 12,000 ईयर्स एगो तक। ये जो पैलियोलिथिक है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लोअर, मिडल और अपर। इस पैलियोलिथिक पेज के बाद अगर मैं इसको एक क्रॉनिकल ऑर्डर बनाना चाहूँ लंबर लाइन पे, ठीक है, तो ये क्या है, पैलियोलिथिक 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 12,000 तक। उसके बाद आया क्या, इसके अंदर भी जैसे आ गया लोअर, मिडल, फिर अपर। इसके बाद क्या आएगा, मीजोलिथिक। ये चलता है 12,000 से लेकर 10,000 ईयर तक। उसके बाद आता है न्यूलिथिक। न्यूलिथिक चलता है 10,000 ईयर से लेकर, ये वैसे बता रखा तो मैं भी नहीं बताऊंगा, देखो एडिशनल नॉलेज लोगे तो फिर काम का दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, जितना किताबों में दे रखा वही पढ़ते हैं। आओ जरा, लिथिक का मतलब क्या होता है, मैंने बताया लिथ मतलब होता है स्टोन, पैलियो मतलब क्या होता है ओल्ड, पैलियोलिथिक का मतलब क्या हो जाएगा, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। न्यूलिथिक क्या आता है, न्यूलिथिक से पहले आता है, ठीक है, उसके बाद न्यूलिथिक आता है, मीजोलिथिक आता है ना, तो उस टाइम पीरियड के याद रखना, मैं एक बार पढ़ाया था तुम लोगों को। आओ जरा, तो लिखा है आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक, सबसे पुराने पीरियड क्या बोला इन्होंने, पैलियोलिथिक। दिस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मतलब स्टोन, मैंने बोला पैलियो मतलब होता है स्टोन, लिथोस मतलब क्या होता है, पैलियो मतलब होता है ओल्ड, लिथिक मतलब क्या होता है स्टोन, ठीक है। ये लिथिक फिर ग्रीक में जाकर लिथोस हो जाता है। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स, द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 साल तक, कितने साल से, 2 मिलियन से लेकर 12,000 साल तक। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक, मैंने डिवाइड करके दिखाया कि लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक और मिडल पैलियोलिथिक, ठीक है। और जितना भी टाइम पीरियड है 2 मिलियन ईयर से लेके, 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 12,000 ईयर्स तक, ह्यूमन हिस्ट्री का ये 99% है, 99% ह्यूमन हिस्ट्री हमारी ऐसी गई है, हम लोग जंगलों में रहते थे, चीज़ों को गैदर करते थे, हंट करते थे, है ना, हम नहीं मतलब उस टाइम के लोग। द पीरियड वेन वी फाइंड इन्वायरमेंट चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड मीजोलिथिक या मिडल स्टोन एज। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, इस टाइम पीरियड के दौरान जो टूल्स मिले हैं वो छोटे छोटे पत्थरों मतलब छोटे से थे, ठीक है, उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था, माइक्रो मतलब होता है छोटा, लिथ मतलब होता है पत्थर। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स, एट द टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज। देखो 12,000 से 10,000 के टाइम पीरियड के बीच में जब इन्वायरमेंट में बदलाव हो रहा था, ठीक है, जब पृथ्वी क्या गर्म होने लगी थी, जब ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होने लगा था, तब नया टाइम पीरियड जो है वो जनरेट होता है, उस टाइम पीरियड का नाम क्या है, मीजोलिथिक। मीजोलिथिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम लोग छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ करते थे, ठीक है। मीजोलिथिक का मतलब भी क्या होता है, मिडल स्टोन एज।
मिडल स्टोन एज के अंदर जो पत्थर लोग इस्तेमाल करते थे उसको बोलते थे, जो टूल इस्तेमाल करते थे वो माइक्रोलिथ होते थे। माइक्रोलिथ का मतलब ही होता है छोटे स्टोन टूल्स, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो मतलब होता है छोटा और लिथ मतलब होता है स्टोन, ठीक है। और इस टाइम के जो टूल्स होते हैं उनको लकड़ी में लगाकर मतलब हैंडल में लगा कर यूज करते थे। उसके बाद हमारे पास क्या आया, नियोलिथिक। नियोलिथिक कब आया, 10,000 ईयर्स एगो से लेके। नियोलिथिक का मतलब क्या होता है, वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेज, यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी प्ले मोर प्लेसेज इन लेटर चैप्टर। वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ प्लेसेज वेयर पीपल लिव इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो वट दे कॉल्ड हिम। देखो हम लोग अभी जो भी नाम पढ़ रहे हैं, इनाम गांव और क्या भीम भीम इनाम गांव, बुर्जाहोम, भीमबटेक, ठीक है, ये सारे जो नाम हैं, ब्रह्मगिरी, पय्यमपल्ली, आदि चनलौर और भीमबटेक, कोल्डिहा, ये सब नए नाम हैं। पुराने नाम क्या थे इनके हमें थोड़ी पता है, मतलब कि लोग पहले इनको क्या बुलाते थे, ये हमें कोई एविडेंस ही नहीं मिला कि लोग इनको क्या बुलाते थे इन जगहों को, है ना। अब चेंजिंग इन्वायरमेंट, मैंने बोला अभी से 12,000 साल पहले, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन इन मैनी एरियाज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, एनिमल्स डेट सर्वाइव ऑन ग्रास। तो अभी से 12,000 साल पहले जब धरती का जो कंडीशन था, वो धरती जो है थोड़ी थोड़ी गर्म होने लगी थी, 12,000 ईयर्स एगो धरती जो है थोड़ी थोड़ी गर्म होने लगी थी, तो वहाँ पे घास के मैदानों का क्या जन्म हुआ। अब घास के मैदान जन्म हुए, क्या होगा, जो नंबर है डियर का, एंटीलोप का और जितने भी ऐसे जानवर जो कि कहाँ पर, जो किस पे डिपेंडेंट है, जो कि डिपेंडेंट होते ग्रास पर, उनके नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। तो दोज हंटेड एनिमल्स नाउ फॉलो देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड्स हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल देम सेल्फ। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। अब पहले जो लोग इनका शिकार करते थे, अब इनके पीछे भागने लगेंगे, है ना, क्योंकि अभी लार्ज अमाउंट में होगा, अब इनके पीछे भागेंगे। जब पीछे भागेंगे तो इनके रहने के तरीके, इनके ब्रीडिंग सीजन के बारे में पता चलेगा कि कभी लोग ब्रीड करते हैं, ठीक है, इनके ब्रीडिंग सीजन सीजन के बारे में पता चलेगा। अब ये क्या हेल्प करेगा, इससे लोगों को हेल्प मिलेगी कि अब ये लोग सोचने लगेंगे कि यार चलो एक काम करते हैं, शिकार तो हमने बहुत कर लिया, अब क्या, अब हम इनको पालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अब हम इन्हें पाला करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये लोग एनिमल्स को रियर करना चालू कर दिया इन लोगों ने, है ना, एनिमल्स की रियरिंग चालू कर दी यहाँ से इन्होंने, है ना। फिशिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई थी इनके डे टू डे लाइफ का, फिशिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई थी। फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत, दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेज इंक्लूडिंग वीट, बार्ली एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रीन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रू एंड डे रिपेंड। दिस मे हैव लेड टू लेट डैम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। अब देखो देखो एक टाइम था जब बहुत सारे जो ग्रेन से वो खुद ही उग जाते थे, जैसे कि वीट हो गया, बार्ली हो गया, जो राइस है, ठीक है, ये नेचुरली हमारे सब कॉन्टिनेंट में ग्रो होते थे। मैन, वुमेन और जो चिल्ड्रेन है वो इन ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे, ठीक है। अब कलेक्ट करने के बाद ये लोग सीखते थे धीरे 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 धीरे, ये सीखते थे कि ये पौधे कैसे उगते थे, और जब ये पक जाते थे, ठीक है, फिर इसको खाने लगते थे, है ना। अगर कोई भी, अगर गेहूं है, अगर गेहूं अगर उगना चालू हुआ तो पहले वो कच्चा होगा, फिर धीरे 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 रिप होगा टाइम के साथ, ठीक है। तो जब ये पक जाता था तो ये लोग इसका इसको खा लेते थे, ठीक है। अब इन्होंने देखा यार ये तो बड़ा अच्छी बात है, मतलब कि ये जो फसल है ये तो उगती है, हम इसको फिर से उगा सकते हैं, मतलब हमने अभी यहाँ पे खा लिया, फिर 6 महीने बाद हमने देखा कि यार फिर से ये लोग उग गया है, तो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से इनके दिमाग में क्या है कि चलो काम करते हैं, इन जो सीड्स है, ये जो सीड्स है इसको उठा लेते हैं, ठीक है। अब इस सीड्स को उठाने के बाद इन्होंने जब जमीन पर डाल दिया, फिर कुछ समय बाद ही आके देखते तो यहाँ पौधे उग गए। देखो
ठीक है, तो शायद इसकी वजह से ये लोग फिर का किसानी करना चालू किया, खेती करना चालू किया, ठीक है, और ये लोग किसान बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द एंसेस्टर ऑफ द डॉग। सबसे पहला जानवर जो कि पाला गया था वो कौन सा था? कुत्ता, ठीक है। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स डेट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। दीज एनिमल्स जैसे कि शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन द हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम ईट ग्रास। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल फ्रॉम द अटैक्स बाई अदर वाइल्ड एनिमल्स, दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स। अब देखो, अब पीपल जो लोग थे उस टाइम के, अब जानवरों को अट्रैक्ट करना सब सीख चुके थे, है ना। कैसे? ये लोग काम करते थे कि दरवाजे पे खाना रख दिया, ठीक है, दरवाजे पे खाना रखोगे तो जानवर आएगा। अब वो एक बार आएगा, दो बार आएगा, फिर रोज रोज आने लगेगा तुम्हारे दरवाजे पे खाने के लिए, है ना। तो पहला ही जानवर था जिसको इन्होंने पालतू बनाया। अब फिर यहाँ से ये लोग क्या जानवरों को पालतू बनाना चालू करेंगे। तो पहला जानवर जिसको पालतू बनाया गया था वो क्या था? डॉग, ठीक है। उसके बाद शीप हो गई, फिर ये जो सिलसिला है फिर वो मूव ऑन होते रहा आगे। शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, पिग हो गया, ये सभी झुंड में रहते थे और सभी घास खाते थे। तो उस टाइम जो लोग थे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, अपने घर के सामने घास रख दिया बढ़िया सा, आके खाने लगे। अब आके खाने लगे तो उन्होंने बोला कि यार अब एक काम कर लेते हैं, इसको पाल लेते हैं, ठीक है। और डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट आर टेंडेड बाई पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। दिस इज बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट्स डेट यील्ड लार्ज साइज ग्रीन एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ रिप अगेन। अब देखो, डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? जब पीपल पौधों को उगाने और जानवरों को देखभाल करने लगेंगे तो वो चीज़ें पालतू बन जाएगी, ठीक है, डोमेस्टिकेट होने लगेगी, ठीक है, घर में यूज़ करने वाली हो जाएगी, ठीक है। अब उस टाइम पे तो सर कोई पालतू जानवर नहीं होता होगा, तो पालतू जानवर नहीं होता होगा तो ये लोग क्या करते होंगे कि एक झुंड में से कोई भी जानवर उठा के अपने पास ले आए। अब वो लोग इंसानों के बीच रहेगा, इंसानों के हैबिट सीखेगा, तो अपने आप ही वो अपने अंदर से जंगलीपना है, उनके अंदर से जो वाइल्डनेस है वो निकल जाएगी, है ना। फिर वो धीरे धीरे डोमेस्टिकेट होना चालू करते हैं ना। तो वो कौन से जानवर और कौन से पौधे सेलेक्ट करते थे जो पौधे जल्दी से ग्रो हो और ज़्यादा मात्रा में ग्रो हो, ठीक है। और ऐसे जानवरों को ये लोग उठाते थे अपने डोमेस्टिकेशन के लिए जो कि जिसके अंदर कोई बीमारी ना हो, है ना। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज। अब ये लोग कौन से पौधे उगाते थे जो कि ज़्यादा मात्रा में अनाज दें, जिसके जो स्टॉक्स है, जो तने हैं वो मजबूत हों, ठीक है, और वो ज़्यादा लोड, ज़्यादा मतलब वेट सह सके। अगर जैसे कि कोई पौधा है अगर वो पक गया, डिपेंड हो गया, तो उसका जो स्टॉक है उसका वेट सह सके, ठीक है। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड। कुछ पौधों से इन्होंने बीज इकट्ठा किया, उसको बचाया ताकि नए पौधे से उगाए जा सके, है ना। और इनको पता था कि जो भी हम लोग प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं और जो ये हम लोग सीड लाए हैं उससे सेम टाइप के प्लांट ही क्या, सेम टाइप के प्लांट ही क्या बनेंगे, है ना। तो देखो कितने मतलब चालाक थे, मतलब कि देवर सो मतलब इंटेलिजेंट कि उनको पता था कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, है ना। तो अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब इधर से पहले तो हमने देखा कि हंटर गैदर था, फिर धीरे 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 ये लोग जानवरों को पीछे गए, ठीक है। जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ, ग्रासलैंड आया, तो जानवर इनके पीछे आने लगे। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट मेक्स सम टाइम टू ग्रो। अब आप कोई पौधा डालते हो तो उसको टाइम लगता है उगने में, है ना। ऐसा थोड़े कि कल रात में डाला तो आज बढ़िया सा बड़ा सा पौधा हो गया, ऐसा नहीं होता। दिस मे बी सेवरल ईयर्स, डेज, वीक्स एंड मंथ, इन सम केसेस ईयर्स। वेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन्स रिपेंट एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। अब ये लोग पौधे जब इन्होंने देखा, ठीक है, जब इन्होंने पौधे ग्रो करना चालू किया
तो इनको एक जगह पर लंबे टाइम तक के लिए रहना पड़ेगा। पहली बात तो सीधी बात, पहली और सीधी बात यही है कि अगर कोई पौधा इन्होंने लगाया है तो इन्हें एक जगह पर लंबे टाइम तक के लिए रहना पड़ेगा, जब तक कि वो पौधा एकदम पक नहीं जाता या जब तक वो फसल तैयार नहीं हो जाती। ठीक है, अब उसके लिए अगर फसल तैयार करना होगा तो इसको उस फसल की देखभाल करनी होगी, है ना, उसको वाटर देना पड़ेगा, उसके अंदर से जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं उसको हटाना पड़ेगा, जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स जो उस पौधे को खाने आएंगे उसको भगाना पड़ेगा कि चल 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 भुर, वो होता है ना गांव में, अब तो क्रोस को भगाने के लिए वो मटके का लगाते हैं, ठीक है, क्रोस केयर कहते हैं उसको। ठीक है, तो जब तक पक नहीं जाता उनको एक जगह पे रहना पड़ेगा। अब एक जगह पे रहने से क्या होगा, लोगों ने फसल लगाई और एक जगह पे रहने लगे तो अब वहां पे सेटलमेंट्स जनरेट हो गई, लोग अगर एक जगह पे रहेंगे तो उससे क्या होगा, उनको एक जगह पे लंबे टाइम के लिए रहना पड़ेगा। अब अब एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक वे ऑफ स्टोरिंग इट। अब इनको खाने के लिए जितने भी फल, अब इन्होंने एक लार्ज अमाउंट में फसल उगा दी तो एक बार में थोड़ी खा जाएंगे, तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, फसल को भी स्टोर करना पड़ेगा, उसके बीजों को भी स्टोर करना पड़ेगा ताकि बाद में जब वो नई फसल लगाए तो इन बीजों का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, अब स्टोरिंग के लिए इन्होंने किस चीज को स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्ले पोट्स मतलब मट्टी के जो बर्तन होते हैं ना वो बनाना चालू किया इन्होंने। ठीक है, और डग पिट्स इन तो ग्राउंड, अब इन्होंने क्या किया कि या तो ये लोग मटके बनाएंगे, ठीक है, या ये लोग लकड़ी का जो डाली है वो सीएंगे, सीखना चालू करेंगे, या फिर गड्ढा है गड्ढे के अंदर खोद देंगे, गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल के बढ़िया से बंद कर देंगे, ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इन्होंने फसल के साथ किया कि फसल उगाने के लिए। अब ये लोग पशु पाल रहे हैं, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, हमें पता है कि एक हमें अगर हम दो जानवर को एक साथ रख देंगे तो उससे बहुत सारे जानवर फिर आगे फर्दर क्या रिप्रोड्यूस होते जाएंगे। बिसाइड इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स डेट आर रियर्ड कैन बी यूज एज स्टोर ऑफ फूड। देखो नेचुरली जो है हमें पता है एनिमल्स मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन अगर हम उनकी देखभाल करेंगे, अगर हम उन जानवरों की देखभाल करेंगे तो वो हमें मिल्क प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सोर्स है खाने का हमारे भी, आजकल देखो खाने के लिए लोग मिल्क कितना यूज़ करते हैं। मीट अगर हमने पाला फिर उसको बाद में उसको खच कुछ करके बढ़िया से खा जाएंगे जब भी हमें ज़रूरत होगा। अगले अगर दूसरे वर्ड में देखेंगे ना, दूसरे अगर मेरे शब्दों में देखा जाए तो स्टोर ऑफ फूड है, अगर मैं जानवर पाल रहा हूँ तो एक खाने का ही संसाधन है, खाने को ही मैं बस स्टोर कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को कोई मटका वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर, पहले किसान और पहले जो पशु पालने वाले लोग थे उनके बारे में जानते हैं। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स ईच मार्क अ साइट फ्रॉम वेयर द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। These are found from all over the subcontinent. Some of the most important ones in the northwest, in present day Kashmir and in the south east and in the east of east and south India. तो मैप टू पे जाने को कह रहा है, वहां पे नोटिस करोगे तुम ब्लू स्क्वायर। ठीक है, क्या यूज इस नोटिस करोगे ब्लू स्क्वायर, ऐसे ऐसे ब्लू स्क्वायर। वो जो एविडेंस है जो जो भी वो मैप पे इन्होंने मार्किंग किया वो पहले अर्ली फार्मर्स का और हर्डर्स के बारे में बता रहा है कि पहले फार्मर्स और हर्डर्स कहाँ पे मिले थे। ठीक है, वैसे तो बहुत जगह मिले हैं, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कहाँ पे, कश्मीर के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर, कश्मीर में। ठीक है, और ईस्ट और साउथ इंडिया में, ऊपर चले अगर मैं लेके जाऊँ मैप नंबर टू, मैप नंबर टू, आजा आजा आजा, ये तो भीमबेटका है, तो ये देखो मैप नंबर टू में नॉर्थ वेस्ट में क्या मिला हमें, बुर्जा होम कश्मीर में, ईस्ट में मिला है और साउदर्न पार्ट में मिला है, क्या मिला है, साउदर्न पार्ट में मिला है। देखो ये इंपॉर्टेंट साइट्स है, याद रखना इनके बारे में, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, देखियो जैसे कि बुर्जा होम,
बुर्जा होम याद रखना। और इस वैसे पूरे चैप्टर में हम बुर्जा होम के बारे में बात करेंगे कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं। नीचे हमें ये भी पता चल जाएगी कहाँ कहाँ पे हमको राइस मिला है, कहाँ कहाँ पे हमें वीट के एविडेंस मिले हैं, ठीक है, ये भी बताया गया है नीचे, ठीक है। तो ये बातें याद रखना जो भी मैं बताऊँ। चैप्टर थोड़ा लंबा तो है बट चैप्टर को मैं डिटेल में चाहूँगा कि समझाऊँ, क्योंकि फिर बच्चे डिटेल में नहीं पढ़ते, फिर आंसर राइटिंग में उनको थोड़ी गड़बड़ी जाती है। फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हंटर्स, दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको मैंशन किया गया कश्मीर और साउथ ईस्ट और साउथ इंडिया में है ना। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर डेथ सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हंटर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बोन्स। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्नड ग्रीन, these may have seen burnt accidentally or on purpose, scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent, they can also identify the bones of animals। देखो अब हमें कैसे पता चले कि जो सेटलमेंट है, ठीक है, जो भी जगह मिली है वो सेटलमेंट किसी फार्मर का हो, किसी हर्डर का ही हो, ठीक है। तो जो हमारे साइंटिस्ट है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, उनको एविडेंस मिला है। वो एविडेंस किस चीज का है? जले हुए अनाज के दानों का। अब जले हुए अनाज के दाने या तो ये लोग जानबूझ के जलाया हो इन लोगों ने ताकि पका के खा सके, या फिर एक्सीडेंटली आग लग गया हो तो वो जले हो, ठीक है। इवेंचुअली हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, कि उस टाइम पीरियड में बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रेन्स जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। हमारा मेन फोकस क्या है कि उस टाइम पे लोग ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते हैं, हमें ऑब्वियसली बात है पता चल गया, जब ही तो ये ग्रेन्स हैं जो मिले, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे जानवरों के हमें हड्डियाँ भी मिली है, ठीक है, बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ मिली है, जैसे शीप हो गया, ठीक है। अब एक सैटेलाइट लाइफ की तरह मुड़ते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या देखा कि लोग शिकार करते थे, फिर धीरे धीरे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, जब टाइम चेंज हुआ क्लाइमेट चेंज हुआ तो गर्म होने लगी हमारी धरती, और गर्म होने की वजह से ग्रासलैंड बनना चालू हुआ। ग्रासलैंड की वजह से एनिमल्स जो कि ग्रास पे डिपेंडेंट होते थे उनकी मात्रा बढ़ गई। तो उनकी मात्रा बढ़ने से लोग क्या, फिर यहाँ से उन्होंने सोचा कि अब हम पशु पालेंगे। पशु पालने की वजह से फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं वो तो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं हमारे खाने के लिए। फिर यहाँ से इन्होंने क्या किया, फसल उगाना चालू कर दिया। फसल उगाने के बारे में इन्होंने सोचा। फसल उगाने के बाद ये लोग एक सेटल लाइफ की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर ये लोग फसल उगाते हैं तो एक जगह पर इनको लंबे टाइम के लिए रहना पड़ेगा, और अगर ये लोग एक जगह पर लंबे टाइम के लिए रहते हैं तो यहाँ पे सेटलमेंट बनना चालू हो जाएंगे। ये लोग अब सेटल होने लगेंगे, सेटल जिंदगी जीने लगेंगे, जानवर पाल रहे हैं, फसल कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो एक सेटल लाइफ ही तो है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स, फॉर इंस्टेंसेज इन बुर्जा होम हाउसेज पीपल बिल्ट पिट हाउसेज वेयर विच वर डग इन टू द ग्राउंड विच स्टेप्स लीडिंग इन टू दैम। तो ये लोग अंडरग्राउंड घर बनाते थे, अंडरग्राउंड कि भाई सीढ़ी है इसके अंदर जाओ घर है बढ़िया सा, है ना। बुर्जाओं में एविडेंस मिला, मैं ऐसी बात नहीं है, बुर्जाओं में एविडेंस मिला अंडरग्राउंड घर का, ठीक है। तो ये लोग घर बनाते थे, हमें पता चल गया हाउसेज बनाते थे, हट्स बनाते होंगे, इतना हमें एविडेंस पता चल गया। These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts, both inside and outside of the house, which suggests that depending on weather, people could cook food either indoors or outdoors. अब ये लोग घर क्यों बनाते हैं जमीन के अंदर, ताकि ये लोग ठंड से बच सके, है ना। ठंड से बचने के लिए तो हम घर में आते हैं। अब घर चाहे अंडरग्राउंड हो या ऑन द ग्राउंड हो, यह हमें क्या इवेंचुअली ठंड से बचाएगा। फिर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको चूल्हे मिले हैं, लकड़ी के चूल्हे होते हैं ना, हर्थ कहते हैं इंग्लिश में, लकड़ी बोलो, मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं उनको हर्थ मिले हैं, ठीक है। वो हर्थ घर के अंदर भी हैं चूल्हे, और घर के बाहर भी मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ सीजन चेंज के बेस पे लोग खाना बनाते होंगे, कि ज़्यादा गर्मी हो रही है तो घर के बाहर बना लेते हैं, ज़्यादा ठंडी हो रही तो एक काम कर लेते हैं घर के अंदर चूल्हा लगा लेते हैं, है ना। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर, ठीक है। स्टोन टूल्स जो है हमें बहुत सारी साइट से मिले हैं, ठीक है,
और ये जो साइट्स मिले हैं, जो जो भी हमें पत्थर मिले हैं, वो पहले वाले जो पत्थर थे, जो पैलियोलिथिक पेज में एज में हमें पत्थर मिले, तो उससे बहुत ज़्यादा अलग थे, इसलिए हमने इसका काम क्या नाम दिया, न्योलिथिक, मतलब न्यू स्टोन। न्यू मतलब होता है न्यू, लिथ मतलब क्या होता है स्टोन। दीज इंक्लूड्स टूल्स डेट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग, ठीक है, मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट्स प्रोड्यूस। देखो हम जो टूल्स मिले हैं, ठीक है, उनका जो कटिंग एज है वो बहुत ज़्यादा ही शार्प है। हमें ओखली मिली है, ठीक है, हमें जो टूल्स मिले हैं इसको हम बोल रहे हैं कि ये पैलियोलिथिक से थोड़े अलग हैं, क्योंकि उस टाइम पे लोग पत्थर का प्रयोग करते थे, पत्थरों से ही बड़े बड़े पत्थरों को ले आते थे, जानवर के ऊपर फेंक देते थे, जानवर मर जाते थे वहीं पे ख़त्म, फिर उन जानवरों को पका के खा लो बढ़िया सा, है ना भाई। फिर उसके बाद हमने देखा आग, आग के एविडेंस मिले। अब आग के एविडेंस से क्या मिलता है कि यार ये लोग खाना सिर्फ मार के कच्चा ही नहीं खाते होंगे, पकाते भी होंगे। अब नियोलिथिक में हमें एविडेंस मिले क्या कि अब जो टूल्स है वो ज़्यादा शार्प होने लगे, ज़्यादा शाइनी होने लगे, चमकीले होने लगे। हमें ओखली मिलने लगी, ओखली मतलब पता है ना, एक पेस्टल होता है, एक मोटर होता है, उसके अंदर ऐसे ओखली होती है और एक ठक ठक ठप, तो उससे फिर मसाले पीसते हैं, है ना। और हम आज भी ओखली का इस्तेमाल करते हैं, देखो इतने हजार साल पहले बना हुआ लेकिन आज भी इस्तेमाल करते हैं। पैलियोलिथिक टाइप कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज एंड रिमेंबर, सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन। कुछ जो टूल्स थे वो बोन से बनते थे, कुछ जो टूल्स थे वो बोन से बनते थे, ठीक है। मैनी काइंड ऑफ अर्दन पोट्स, ठीक है, हैव ऑल्सो बीन फाउंड, दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज फॉर मेकिंग और स्टोरिंग थिंग्स। देखो हमें क्या मिले हैं, मिट्टी वाला घड़ा मिला है, देखो मिट्टी का हमें घड़ा ही मिला है, ठीक है, ये शायद इनको ये, और ये डेकोरेटेड था शायद, ये इसके अंदर कोई चीज जो है उसको स्टोर करने के लिए, जो ग्रेन्स होते हैं उसको स्टोर करने के लिए शायद ये मटका बनाया हो। पीपल बिगन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड, लोग पोट्स का यूज करते हैं क्या, खाना बनाने के लिए, स्पेशली चावल, ठीक है, गेहूँ और दाल, ये तो इम्पोर्टेंट हो गया आजकल, देखो दाल चावल हर जगह बनता है, ठीक है, तो ये लोग इस मटके में शायद ये लोग खाना बनाते हो क्या, इस मटके में शायद ये लोग खाना बनाते हो, ये तो लग रहा है अभी का मटका है मेरे को, सोचो ये इतना पुराना है फिर भी। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, डेट कुड नाउ बी ग्रोन। ये लोग कपड़ा ही बनाते थे शायद, ठीक है, दे बिगेन, अगर ये लोग कपड़ा सिलना चालू किए उन्होंने, ये लोग सबसे पहले जो कपड़ा था वो कॉटन था सबसे पहले, कॉटन एग्जाम्पल के लिए, कॉटन डिफरेंट अलग अलग काइंड के मटेरियल से ये लोग क्या कपड़े बनाने लगे, ठीक है। अब ये कपड़ा क्या हो सकता है, कॉटन हो सकता है, जानवर के खाल से बन सकता है ना, तो अलग अलग मटेरियल से लोग कपड़े बनाते होंगे, जैसे एग्जाम्पल में हम अभी कॉटन पहनते हैं, ऊनी पहनते हैं, ठीक है। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या जो चीज़ें हैं वो सारी जगह एक बार में बदल गई, कि एक बार में क्या मेसोलिथिक पेड़ लाया और सब लोग एक बार में ये लोग क्या एडवांस हो गए, पत्थर छोटे यूज करने लगे, पका के खाने लगे, सेटल्ड हो गए, तो ऐसा हम श्योर नहीं कह सकते कि एक ही बार बदला हो। देखो कुछ एरियाज में जो मैन और वुमेन है, ठीक है, वो अभी भी जानवरों को शिकार करना करते हूँ, ठीक है, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्लोली ओवर several hundred thousand ईयर्स बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। अब चीज लोगों ने कंबाइन कर दिया कि अलग अलग काम को अलग अलग सीजन में करना, ठीक है, अब फसल अलग सीजन में उगती है तो अलग सीजन में उगाएंगे, है ना, तो इन सब चीजों को कंबाइन कर दिया उन्होंने। अब मेहरगढ़ के बारे में पढ़ लो, तो दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। तो बोलन पास क्या है, एक ऐसा पास है जहां से हम ईरान की तरफ घुस सकते हैं या ईरान के लोग इंडिया में आ सकते हैं, ठीक है, ईरान के लोग ये वाला पास है, तो यहाँ से ईरान के लोग आ सकते हैं इंडिया में, ठीक है। Which is one of the most important routes into Iran. Mehrgarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. सबसे पहली बार इस एरिया में जो लोग थे वो लोग मेहरगढ़ में ही शायद बार्ली को वीट को ग्रो करना सीखे होंगे, ठीक है, और शीप और गोट्स को पालना भी पहली बार कहाँ सीखा हो, मेहरगढ़ में। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट, सबसे पुराना विलेज है जिसके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, बहुत सारे जानवरों के और हमें हड्डियाँ मिली है यहाँ मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में क्या मिला हमें,
बहुत सारे जानवर की हड्डियां मिली हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल सच एज डियर पिग हैव आल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। हमें क्या मिले, बियर डियर के मिले, हिरण के, सुअर के, और शीप और गोट इनकी हड्डियां भी मिली हमें इन साइड पे, है ना। इसका मतलब क्या था, ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे या फिर ये लोग शिकार करते थे। अब इनके बरियल्स के बारे में पढ़ लिए, तो अदर फाइंडिंग्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस। इनके घर कैसे थे, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर, ये देखो ये घर है, ये देखो ये घर है ये, ठीक है। ईच हाउस हैज फोर और फोर कंपार्टमेंट्स, एक घर में चार कमरे होते थे, ठीक है। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, इनमें से कोई एक जो है वो स्टोरेज मतलब फसल को स्टोर करने के लिए यूज होता हो। तो ये देखो ऐसा शायद इनके घर जो लिखते हो, इनके जो घर है वो शायद ऐसे दिखते हो मेहरगढ़ वालों के। अब हमें क्या मिला है कि बिरियल, बिरियल मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, तो वहाँ पे जो दफनाने की टेक्निक भी अलग थी। लोग दूसरे लोगों के साथ क्या जानवरों को मार के दफनाते थे, क्यों, शायद वो इनको आगे या फिर स्वर्ग में जाके इनको खाना मिले, ये सोच के कि आफ्टर लाइफ जीवन के बाद भी ये लोग इसका यूज कर सकें, है ना, जीवन के बाद भी शायद ये लोग इसका यूज करते हो। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in belief that there is some form of life after death. इनका मानना था कि शायद कोई ना कोई जीवन के बाद भी, मरने के बाद भी जिंदगी होती है। Burial is one such arrangement. अब हमें burial से देखने को मिल रहा है। देखो burial में हमें मेहरगढ़ के burial में क्या मिल रहा है? लोगों को जब दफनाया गया है तो उसके अंदर क्या जानवर को डाला गया है, ठीक है। Several burial sites have found at मेहरगढ़। In one instance, the dead person were buried with goats. Goats, देखो बकरियों के साथ, which were probably meant to serve food in the next world. अब इसका मतलब क्या है? लोगों ने goat क्यों डाला हुआ? Goat का सीधा-सीधा मतलब है कि यार जो लोग हैं उस time पे, वो लोग after life में believe करते हों कि भाई मरने के बाद भी ये लोग खाना खाते हों। तो ये chapter जो है यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। And I wanna thank you everyone जो यहाँ तक देखें, और देख लिया है तो subscribe कर देना। सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन दबा देना, बेल आइकन दबा दिया तो वीडियो लाइक कर देना, वीडियो लाइक कर दिया है तो कमेंट भी कर देना, और कमेंट कर दिया है तो शेयर भी कर देना, ठीक है। वैसे बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना दिया, पर तुम्हें जो करना है करना, बस थैंक यू आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, ठीक है। एंड आई अप्रिशिएट कि तुम लोग कुछ सीख के गए हो, यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय।